यूपी के जिला बलिया में मनियर बलिया मार्ग पर किसान कोल्ड स्टोरेज के सामने क्षतिग्रस्त होने आए। दिन घटना दुर्घटना होती रहती है। जब मीडिया कर्मी ने सड़क की सच जानने के लिए पहुंचा तो वहां एक बालू लदी ट्रक फंसी थी तथा दोनों तरफ से आने जाने वाली गाड़ियां फंसी थी। सबसे ज्यादा इमरजेंसी मरीजों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ने के कगार पर आ जाते हैं। ऐसी दशा में वो सड़क बनना जनहित में नए उचित है। जब मीडिया कर्मी ने समाज सेवी टुनटुन सिंह से एवं ग्राम प्रधान चंदन सिंह से एवं आम नागरिक से पूछा तो सड़क की दुर्दशा का व्याख्यान किया गया और कहा कि लगभग 2 माह से सड़क खराब पड़ी है, किसी भी अधिकारी की नजर इस पर नहीं पड़ती, जबकि इसके लिए कई बार उच्च अधिकारियों का शिकायत प्रार्थना पत्र दी गई है। समय रहते तत्काल में अगर सड़क मरम्मत नहीं की जाती तो मजबूरन ग्रामवासियों व आम जनता को सड़क पर उतरना पड़ेगा। इसकी सारी जिम्मेदारी उच्च अधिकारियों की होगी। सर ये बताइए, आज ये रोड की हालत ऐसी बनी हुई है, ये कब से है? अरे ये साल भर से है। साल भर से है। इस पे कहीं किसी विभाग में इसका शिकायत दिया गया कि नहीं दिया गया? किसी को दिया गया, थाने से लेकर के अभी जो ट्रक यहाँ फंसी हुई है, जो अभी इनके मालिक ट्रक के मालिक जो बता रहे हैं कि ओवरलोड में हमारी गाड़ी है और वो कह रहे हैं कि हमारे ओवरलोड में पास है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर क्या करें, तो सब ट्रक वाले इसी तरह जा रहे हैं, इस पर क्या? सारे ट्रक के लोग ओवरलोड पे ही चल रहे हैं। ये आज ये स्थिति बनी हुई है। ये रोड बलिया मनियर मार्ग है। हाँ, बलिया मनियर मार्ग है और बैरिया पहाड़ी मनियर भी और सिकंदर मार्ग है। मैंने सारे इस समय जो माझी से ट्रक जो ओवरलोड आ रही हैं, पहाड़ी मनियर होकर जा रही है, ये मनियर होकर के ही गोरखपुर जा रही है। हाँ, जा रही है। इससे आए दिन क्या होता है? दुर्घटना हो रही है। लड़का भी घायल हो गया है और ये ट्रक बार बार फंस गई, आने जाने में दिक्कत हो रहा है, सारे लोग परेशान हैं मनियर से लेकर सिकंदरपुर। कि ऐसे रोड के खराब की वजह से फंसी है? खराब की वजह से फंस गई है सर जी, देखिए रोड खराब है इसकी वजह से फंसी है। ओवरलोड में नहीं फंसी है? नहीं। थैंक यू। यहाँ रोड की स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि आने वाले हर गाड़ियों को जो है मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ घटना दुर्घटना आए दिन डेली हो रही है। आज जो सामने एक ट्रक जो है बालू से लदी है, जो ओवरलोड में नहीं है, लेकिन फिर भी ये ट्रक जो है आज फंसी हुई है और आने जाने में सारी कठिनाइयाँ हो रही है। इसकी जानकारी जो है कई बार यहाँ के नेता, युवक और समाजसेवी जो है उच्च अधिकारियों को जो है दे चुके हैं, लेकिन अब तक जो है यहाँ किसी का जो है कार्रवाई नहीं होने से काफी लोगों में रोष है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद, बलिया। रिपोर्ट बाय एजाज अहमद, समाचार इंडिया न्यूज़, बलिया।